हेटर छोड़े हेट आ रही आने दो भाई थोड़ी बहुत। अभी जैसे मैंने वीडियो निकाली थी ध्रुव राठी के ऊपर, सो गाइस जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा राजवीर सिसोदिया वर्सेस रजत दलाल की फाइट के बाद थगेश ने भी रजत दलाल से फाइट करी थी, बट वो वाली फाइट रियल नहीं पूरी की पूरी स्क्रिप्टेड थी और स्टार्टिंग में लोगों को ऐसा लग रहा था कि वो रियल फाइट है। सो गाइस इसी फाइट के बारे में थगेश ने अपने रिसेंट के पॉडकास्ट में ये बताया है कि जब वो स्क्रिप्टेड फाइट रजत दलाल के साथ कर रहे थे और हाथ पैर जोड़कर उनसे माफी भी मांग रहे थे, तब थगेश को कुछ पॉलिटिशियंस का कॉल भी आने लग गया था कि तुम क्यों रजत के सामने हाथ जोड़ रहे हैं। इसी के बारे में उन्होंने बातें करते और क्या क्या अपने पॉडकास्ट के अंदर आप लोग खुद सुनिए। भाई मुझे रजत ने बताया था स्टोरी व्यूज उसके, हाँ 1.5 मिलियन मेरे को दिखाया उसने स्टोरी व्यूज 1.5 मिलियन आ रहे थे। क्या बात भाई, जब रजत और मैंने स्क्रिप्टेड किया ना मेरे 1.5 मिलियन हो गए थे, उसके 2.5 मिलियन स्टोरी व्यूज। मतलब मैंने तो ये लाइफ में नहीं देखा कभी। पता है जब आपकी भी स्टोरी आई थी ना, मैं था यार 1.5 फुट का लौंडा ये, 1 फरीदाबाद का गबरू जवान, हमारा देखते हैं क्या होता है ये गोकू वेजिटा में। भाई वो सीन क्रेजी था, मेरे को इतने बड़े लोगों के कॉल आ रहे हैं। किसके हो गया तेरे को? मतलब वहाँ के मेरे स्कूल के जो भी फ्रेंड उनके पॉलिटिशियन बाप ये वो, क्या हो गया, क्यों हाथ जोड़ रहा है, आने दे उसको, सॉरी वॉरी क्या बोल रहा है दादा, आईका सकाय ना है स्क्रिप्टेड है क्या, तू भी स्क्रिप्टेड मेरे पे भड़कने। तो बाकी गाइस यहां पर आप लोग रजत दलाल और थगेश के बारे में क्या कहना चाहोगे अपने पिन नीचे कमेंट कर जरूर से बता देना। सो गाइस अब कंट्रोवर्सी की बात होगी तो बात कर लेते हैं एलवी यादव वर्सेस ध्रुव राठी की कंट्रोवर्सी के बारे में। और जैसा कि ध्रुव राठी ने एलवी यादव की रोस्टिंग वीडियो के बाद काउंटर रिप्लाई नहीं किया और उनको पर्सनल अटैक कर दिया, तो इसी के बारे में एलवी यादव ने फिर से अपने आज के पॉडकास्ट में बातें की है। हेटर छोड़े हेट आ रही आने दो भाई थोड़ी बहुत। अभी जैसे मैंने वीडियो निकाली थी ध्रुव राठी के ऊपर, उसके बाद भी आई कि गलत वीडियो बनाई, ये बनाई, वो बनाई, बट उसका काउंटर अभी तक नहीं आया। उसका काउंटर अगर मैं नहीं दे पा रहा तो इसका मतलब हार गया मैं। तो बाकी गाइस यहां पर आप लोग एलवी यादव और ध्रुव राठी के बारे में क्या कहना चाहोगे, आपको कौन सही लगता है और कौन गलत लगता है, अपने ओपिनियन नीचे कमेंट कर जरूर से बता देना। एंड गाइस अभी के लिए बस इतना ही अपडेट था, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज बिल्कुल ना भूलें।